राम जन्मभूमि की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। वर्तमान में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में स्थित इस परिसर की निगरानी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेगा। जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहां आएंगे। ऐसे में उनके कार्यक्रम से पूर्व CISF यहां अपना सुरक्षा का तानाबाना तैयार कर लेगी। यह फोर्स ऐतिहासिक भवनों से लेकर हवाई अड्डों, मेट्रो रेल, अन्य बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में विशेषज्ञता रखता है। CISF के सिक्योरिटी ऑडिट पर ही राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन की योजना बनाई गई है। CISF ने गत वर्ष राम जन्मभूमि परिसर का सिक्योरिटी ऑडिट किया था, तभी से यह संभावना व्यक्त की जा रही थी भविष्य में राम मंदिर की सुरक्षा CISF को सौंपी जा सकती है। बुधवार को यहां पहुंचे DG CISF शीलवर्धन सिंह व DIG सुमन सिंह ने राम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण किया। CISF के उच्चाधिकारियों की बढ़ती सक्रियता ने संभावना पर मुहर लगा दी है। ADG जोन पीयूष मोडिया, IG रेंज प्रवीण कुमार एवं SSP राजकरण नैयर भी उनके साथ रहे। अधिकारियों ने 3 घंटे तक परिसर का निरीक्षण किया, सिक्योरिटी ऑडिट के अनुरूप होने वाली व्यवस्थाओं का समीक्षा की, श्रद्धालुओं के आवागम के मार्ग देखने के साथ साथ बैग स्कैनर लगने के प्रबंध देखे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी भी इस मौके पर रहे। अधिकारियों ने आवश्यकता एवं अपेक्षाओं पर भी चर्चा की। CISF की रणनीति में राम जन्मभूमि परिसर को अधिक से अधिक तकनीकी सुरक्षा कवच प्रदान करना है, जिसमें एंटी ड्रोन तकनीक भी शामिल है। रेड जोन के साथ साथ परिसर से सटे येलो जोन के बाहरी क्षेत्र के लिए भी सिक्योरिटी ऑडिट में प्लानिंग की गई है। वर्तमान में राम जन्मभूमि की सुरक्षा में CRPF, पुलिस और PSC तैनात है। गर्भगृह की सुरक्षा CRPF के हवाले है। ADG जोन पीयूष मोडिया ने बताया कि CISF के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने आए थे। देश के हवाई अड्डों, ताजमहल, मेट्रो सहित अन्य कई ऐतिहासिक भवनों एवं महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा का अच्छा अनुभव CISF के पास है, इसीलिए राम मंदिर की सुरक्षा के लिए भी इनके अनुभव का उपयोग किया जा रहा है।